हेलो नमस्कार, द होप टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं वाटर साइन यानी कैंसर स्कॉर्पियन पाइशंस के लिए। देखेंगे 1 से 7 अगस्त आप सबके लिए कैसी रहेगी। नया महीना है, नए महीने का पहला वीक है। लेट्स सी कि वाटर साइन के लिए महीना कैसा रहेगा। और सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कैंसर्स की यानी कर्क राशि की। देखते हैं कर्क राशि की ओवरऑल एनर्जी 1 से 7 अगस्त के बीच में क्या रहने वाली है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर कर्क राशि। ऑल राइट, वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल, मजिशियन एंड द हर्मिट एंड बॉटम एनर्जी है आपके 10 ऑफ वॉन्ड्स की। ये वीक जो है वो आपके लिए बहुत बहुत सारा काम, बहुत सारा लोड, बहुत सारा प्रेशर लेके आने वाला है। कर्क राशि ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी इस वीक के साथ। ठीक है, हो सकता है कोई ऑफिस में बहुत सारा काम आपको मिल रहा है, या घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं, या कोई कोई ऐड हो रहा है फैमिली में, या कोई बाहर से गेस्ट आ रहे हैं किसी भी वजह से, लेकिन एक लोड बढ़ रहा है, या आपको ट्यूर्स पे जाना पड़ रहा है, आपको कहीं बाहर जाना है, या आपको कोई दो चीजें संभालनी पड़ रही हैं। किसी भी तरीके से आपका काम का बर्डन बढ़ता हुआ दिख रहा है इस वीक में। वी हैव द मैजिशियन एंड द हर्मिट, ऐसा लग रहा है जैसे इनर खुद के साथ इंट्रोसेप्शन में वक्त बिताने का मौका मिलेगा इस वीक में। हालांकि बहुत बोझ है, लेकिन ये हर्मिट की एनर्जी एक मेच्योर पर्सन को दिखाती है, जो कि ये सोचता है कि उसने लाइफ में क्या सही डिसीजन लिया और क्या नहीं। और ऐसी सिचुएशन तभी आती है जब लाइफ में कुछ बर्डन होते हैं, लाइफ में कोई प्रेशर होता है। वो मैं आपके लिए देख पा रही हूँ कि आप थोड़ा सा प्रेशर फील करेंगे, और फिर शायद आप अपने आप से बातचीत करके देखेंगे कि ये प्रेशर मैंने लाइफ में कहाँ से आ गया, ये मुझे क्यों डील करना पड़ रहा है, मैंने क्या समय पे नहीं किया जो आज ये इतना सब कुछ साथ में आ रहा है। वहां से आपको कुछ गाइडेंस मिल सकता है, अपनी इनर पावर, इनर विजडम से आप कुछ डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, ऐसा दिख रहा है। वी हैव मजिशियन, मे बी कर्क राशि आप कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं इस वीक में किसी पर्सन के लिए, किसी सिचुएशन के लिए, या फिर आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर इन मजिशियन पोजिशन, हो सकता है कि आप अपनी लाइफ से कुछ चाहते हैं, आपके कुछ डिजायर्स हैं, और वो आप फुलफिल कैसे करें उसके लिए प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। मुझे मैनिपुलेट करते हुए भी दिख रहे हैं आप में से कई लोग, कि आपके अकॉर्डिंग काम हो जाए उसके लिए आप मैनिपुलेशन का भी यूज कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी कि लव लाइफ कैसी रहेगी आपकी कर्क राशि 1 से 7 अगस्त के बीच में। लव एंड रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर कर्क राशि। ऑलराइट, वी हैव द एम्प्रेस। ओके, जैसे मैंने आपको कहा था कोई नया पर्सन भी ऐड हो सकता है आपकी लाइफ में, तो यहाँ पे प्रेगनेंसी का कार्ड आ गया। तो यस, कोई प्रेग्नेंट हो सकता है, आप खुद प्रेग्नेंट हो सकते हैं फीमेल हैं तो, या फिर ऑलरेडी डिलीवरी जो है वो हो चुकी है एक बेबी की। ठीक है, ऑलरेडी एक मदर है यहाँ पे। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल, अगेन 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो यस, आपकी पर्सनल लाइफ में रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही हैं। ठीक है, तो एक तरीके से तो यही है कि हाँ, मदरहुड है किसी का, या घर में ही कोई प्रेग्नेंट हो सकता है, घर में कोई बच्चा आ रहा है। दूसरी चीज मुझे ये भी दिख रही है कि आप अपने घर की तरफ जा रहे हो, आप अपने घर में शिफ्ट हो रहे हो, आप अपना प्लेस चेंज कर रहे हो। पहले आप कहीं और जॉब करते थे, लेकिन आप घर जा रहे हो। या ये भी हो सकता है कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आपको ऑफिस से काफी टाइम का ब्रेक लेना पड़ रहा है। ठीक है, ना चाहते हुए भी आप कहीं बाहर काम करते हो तो आप घर की तरफ आ रहे हो। ठीक है, एंड विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल, यस, एक स्टेबिलिटी दिख रही है कुछ लोगों के लिए। मैरिज मैरिज दिख रही है यहाँ पे कार्ड्स में। एंड अगर मैरिज नहीं है तो हो सकता है कमिटमेंट, कोई पर्सन आपको कमिट कर दे। हालांकि अगर रिकन्सिलेशन की तरह से देखो, चांसेस हैं कि आपके पर्सन आपको अब कमिटमेंट दे और आपकी तरफ आए। ठीक है, बट 50% चांसेस है, 50% नहीं। अगर आप किसी मैरिड पर्सन को डील कर रहे हो तो कर्क राशि ज्यादा चांसेस हैं कि वो पर्सन आपकी तरफ आएंगे। ठीक है, सिंगल पर्सन के लिए कम है, मैरिड पर्सन के लिए ज्यादा है। लेट्स सी कि अच्छा, यहाँ पे मून्स भी बहुत दिख रहे हैं, तो हो सकता है कर्क राशि की आप भी वाटर साइन है, आपके मूड स्विंग्स बहुत आ सकते हैं बस इस 7 दिन के अंदर। नाउ लेट्स सी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या होगा, बिकॉज बहुत सारे मैसेज आए जा रहे हैं। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर।
टू ऑफ सोर्स, ओके, बॉटम एनर्जी है टेन ऑफ पेंटिकल्स. सी, सो पैसे को लेकर के कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है. कुछ कंफ्यूजन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाए लाइफ में, तो आपको समझ नहीं आए कि अब चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ में, ठीक है, कि किस तरीके से अब आप करें इवेंट्स को हैंडल, सिचुएशन को हैंडल, बिकॉज जो आपने सोचा था वो नहीं हुआ, कुछ अनएक्सपेक्टेड सा ही हो गया, किसी ने कुछ ऐसा कह दिया जो आपने सोचा नहीं था, कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई, जैसे एक प्रोजेक्ट था वो आपको ही मिलना था लेकिन सडनली आपको पता चला कि वो किसी और को मिल गया, प्रमोशन आपको ही मिलना था लेकिन वो सडनली किसी और को मिल गया, शेयर मार्केट में पैसा अप जा रहा था लेकिन एकदम से डाउन हो गया, ठीक है. सो ऐसी कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में, वर्क प्लेस पे या फाइनेंशियल चीज़ों में क्रिएट हो सकती है, लेकिन आप काफ़ी पैशनेटली वर्क करते हुए दिख रहे हैं, आप काफ़ी कोरेजियस हैं, स्ट्रांग हैं, अपनी पोजीशन पे एकदम स्ट्रांगली खड़े हैं और काम कर रहे हैं. सो जितना भी आपके ऊपर बर्डन आएगा वर्क प्लेस में, आप उसे बिल्कुल अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, ये मुझे दिख रहा है. हाँ, एक एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट जरूर लाइफ में हो सकता है, तो उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है. उस इवेंट से भी आप टूटेंगे या बिखरेंगे नहीं, थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो चीज़ों को लेके, ठीक है, बट आपकी फैमिली उस पर्टिकुलर टाइम पे सपोर्टिव रहेगी. अगेन, फैमिली की वजह से भी ये टावर मोमेंट आ सकता है. हो सकता है फैमिली में कुछ इवेंट्स ऐसे हो जाएं, कोई हेल्थ इश्यूज हो जाएं, जिसकी वजह से आपके वर्क प्लेस से आपको छुट्टी लेनी पड़े और फैमिली की तरफ जाना पड़े, वो मैंने आपको पहले भी कहा है. तो आपको अपनी फैमिली चूज करनी है या आपका करियर चूज करना है, ये कन्फ्यूजन आ सकता है कुछ लोगों को, ठीक है. So this is all for you, कर्क राशि. I hope ये आपसे resonate होगा. Overall week मुझे ठीक ठाक सा दिख रहा है आपका. आगे बढ़ते हैं स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि के लिए हमारे पास क्या कार्ड्स आते हैं. 1 से 7 अगस्त 2022 वृश्चिक राशि के लिए कैसी रहेगी, प्लीज गाइड कीजिए स्पिरिट गाइड्स. थैंक यू. ओवरऑल एनर्जी है वृश्चिक राशि 9 ऑफ वॉन्ड्स की, हर्मिट की एंड मजिशियन की, एंड बॉटम एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स की. सो हो सकता है वृश्चिक राशि पूरा वीक किसी का इंतजार करने में चला जाए, ठीक है. पास्ट पर्सन पे होल्ड हो, पास्ट पर्सन से निकलना चाह रहे हो पर निकल नहीं पा रहे हो, और ना वो पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, आप उसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप उसको चाहते हो कि वो आ जाए, लेकिन थोड़ा सा मुझे लोनलीनेस दिख रही है, पास्ट की मेमोरीज दिख रही हैं और आपका मैनिफेस्टेशन दिख रहा है. ओवरऑल एनर्जी में इससे ज़्यादा मुझे कोई मैसेज नहीं मिल रहा है वृश्चिक राशि. नाउ लेट्स सी कि लव रिलेशनशिप में क्या सब होगा 1 से 7 अगस्त 2022 के बीच में. व्यस, लोनलीनेस, सेपरेशन में हो सकते हो, अगर अभी नहीं हो तो चांसेस हैं 1 से 7 अगस्त के बीच में सेपरेशन हो जाए, तो थोड़ा ध्यान रखना. पेज ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे, किंग ऑफ कप्स, द फूल, ओके, बॉटम एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल. सो सेपरेशन भी होगा 1 से 7 तारीख के बीच में, और अगर आप चाहोगे तो आपका रिकन्सिलेशन भी हो जाएगा, क्योंकि एक ऐसे पर्सन को आप डील कर रहे हो सकते हैं जो कि अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को शेयर नहीं करते हैं. सो अगर आप मैसेज भेजोगे तो बातचीत हो जाएगी, न्यू बिगनिंग हो सकती है, रिकन्सिलेशन हो सकता है, लेकिन हो सकता है आप में से काफ़ी लोग ऐसे हों वृश्चिक राशि जो कि याद तो बहुत करें, मिस तो बहुत करें, लेकिन कुछ बोले नहीं, कम्युनिकेट नहीं करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, अपने फैमिली की तरफ फोकस करने लग जाएं या अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी पर्सनल हीलिंग, सेल्फ लव की तरफ फोकस करने लग जाएं, और इस पर्सन को सिर्फ याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो, पर इस पर्सन की तरफ आप भी नहीं जा रहे, ना ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है. और कुछ लोग खुद से इनिशिएटिव लेंगे तो ये वापस से बिगनिंग हो जाएगी. नाउ लेट्स सी कि करियर, बिजनेस, फाइनेंस में क्या होगा वृश्चिक राशि 1 से 7 अगस्त 2022 के बीच. 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, बॉटम एनर्जी है नाइट ऑफ सोर्ड्स. करियर, बिजनेस, फाइनेंस में सही टाइम पे सही डिसीजन लेने की जरूरत है आप लोगों को. हो सकता है कोई रिजेक्शन आपको इस वीक में फील हो, कि आपने कोई इंटरव्यू दिया पर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी एग्जाम में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसा चांसेस बन रहा है, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ऑप्शन आपकी तरफ आ रहे हैं बट आप
उन्हें नहीं ले रहे हो या आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, आप उस मीटिंग में नहीं जा रहे हो जिस मीटिंग से आपको प्रमोशन मिल सकता है, आप बातचीत नहीं कर पा रहे हो, आप टूर एंड ट्रैवल के लिए मना कर रहे हो, आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कि आप बाहर आके ये काम करो बट आपको नहीं करना है. सो ये सब कुछ हो सकता है. हालांकि वी हैव थ्री ऑफ कप्स जो कि मुझे कह रहा है कि यार दोस्तों के साथ ऑफिस में भी अच्छा समय बीत सकता है इस वीक में, कुछ एंजॉयमेंट हो सकते हैं, कुछ पार्टीज हो सकती हैं. लेकिन फाइव ऑफ कप्स है कि फोर ऑफ कप्स और फाइव ऑफ कप्स, लेकिन जो मिस कर दोगे, जहां रिजेक्शन मिलेगा, जहां चीजें बनेंगी नहीं, उस चीज का एक नेगेटिविटी जरूर हावी रह सकती है इस टाइम ड्यूरेशन में कि ये चीज मेरी फुलफिल नहीं हुई, ये काम मेरा नहीं हुआ, वो भी रहेगा. ठीक है, तो एक आध दिन अच्छे जा सकते हैं वर्क प्लेस पे, बाकी हो सकता है कुछ अपॉर्चुनिटी या कुछ चीज मिस कर दो जिसका एक रिग्रेट रह जाए. ऑल राइट सेस, तो यही मुझे मैसेज मिल रहा है. आपको ये भी कहा जा रहा है एक्शन लोगे तो चीजें हो जाएंगी, क्योंकि यूनिवर्स आपको सपोर्ट तो कर रहा है बट आपको आगे बढ़ के एक्शन लेने की जरूरत है. यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे कहाँ है वो, यस फोर ऑफ कप्स में ऐसा लग रहा है जैसे आप उस तरफ देख ही नहीं रहे हो जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, फिर बाद में फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी आ जाएगी. ऑल राइट, नाउ लेट्स सी पाइशंस यानी मीन राशि के लिए हमारे पास क्या मैसेजेस हैं. 1 से 7 अगस्त 2022 मीन राशि के लिए क्या सब लेके आ रही है. प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर वाटर साइन पाइशंस. मीन राशि के लिए 1 से 7 अगस्त 2022 कैसे रहेगी. ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी मीन राशि. वी हैव द स्टार, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. ओके सो ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जी. द फूल, कुछ न्यू बिगनिंग्स, कुछ नई चीजें आपकी लाइफ में आ रही है मीन राशि, कुछ क्लैरिटी आपकी लाइफ में आ रही है, कुछ हीलिंग आपकी लाइफ में आ रही है. पास्ट कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, कुछ चीजें आपको लग रहा था ये कभी नहीं हो सकती, वो सारी शुरुआत हो रही है. ऐसा लग रहा है विद दिस फूल एनर्जी कि आप ही वो शुरुआत करने वाले हो. ठीक है, आपको यूनिवर्स एक चांस दे रहे हैं कि आप रिस्क लो अपनी लाइफ में और न्यू बिगनिंग करो अपनी लाइफ में. वी हैव द स्टार, जो कुछ भी न्यू बिगनिंग हो रही है वो काफी फेथफुल है, वो काफी किस्मत कनेक्शन हो सकते हैं. आपने जो मांगा कभी दुआओं में, आपकी विश जो है वो फुलफिलमेंट, उनको फुलफिलमेंट मिल रहा है और आप डायरेक्टली डिवाइन से कनेक्टेड हो. ठीक है, आपकी इनर सोल डिवाइन से कनेक्टेड है और यूनिवर्स आपको कुछ दे रही है. यहाँ पे दो दो एक्वेरियंस की एनर्जी है, तो मे बी आप किसी एक्वेरियस को डील कर रहे हो, किसी कुंभ राशि को डील कर रहे हो, बहुत ज्यादा चांसेस हैं मीन राशि. वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है, आपकी लाइफ में न्यूनेस आने वाली है, लेकिन थोड़ी स्लो दिख रही है. सो हो सकता है कि वो इनिशियल स्टेजेस में नहीं आए, या आपको लगेगा कि वो इनिशियल स्टेजेस में आ जाएगी, आपको खुशी देगी, पर वो इनिशियल स्टेजेस में उतनी ग्रोथ, इतनी सुकून, इतना हैप्पीनेस आपको नहीं दे, पर धीरे धीरे आपको रियलाइज होगा कि यस दिस इज द वन, और ये सही है, ये स्टेबल है, जो भी है जो मेरी तरफ आ रहा है यही स्टेबिलिटी है मेरी लाइफ की. वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अगेन सेम चीज, जो कुछ भी आपकी लाइफ में आ रहा है वो आप खुद क्रिएट कर रहे हो. यहाँ आपके एक्शंस की रिक्वायरमेंट है, यहाँ सिर्फ सोचना, सपने देखना और विश करने से ज्यादा है रिस्क लेना, एक्शंस लेना, दिखाना इमोशंस को, वो जरूरी है यहाँ पे. ठीक है, सो वो अगर आप करते हो तो ये न्यू बिगनिंग जल्दी आ जाएगी, उसमें आप जितने डिले करोगे ये उतनी स्लो होती जाएगी, लेकिन ये है कुछ आपका विश फुलफिलमेंट मीन राशि. नाउ लेट्स सी आपकी लव रिलेशनशिप कैसे रहेंगे 1 से 7 अगस्त 2022 के बीच में मीन राशि. वी हैव 7 of Wands, 5 of Wands, 3 of Pentacle, Empress, 8 of Swords, 4 of Swords, 9 of Wands. Bottom energy again, the Fool है. देखो अगर कोई रिकंसिलेशन है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ब्लॉक कर रखा है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं या ऑलरेडी हुए हुए हैं, एक कॉन्फ्लिक्ट में हो कि आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है. सो सेम मैसेज आ रहा है कि अगर आप चाहोगे तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो जाएंगे, आप चाहोगे तो आप इनको निकाल सकते हो, बिकॉज आप जिस तरीके से देख रहे हो स्टोरी को, वो स्टोरी वैसी नहीं है, वो स्टोरी कुछ और है, या आपकी पास्ट
हो सकता है आपका आपके एक्स के साथ सेपरेशन चल रहा हो और आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको फुलफिलमेंट नहीं दे पाएंगे, या वो पर्सन नहीं है जैसा आपने सोचा था, या आपको अपने सेल्फ डाउट हो रहे हैं कि आप नहीं फुलफिलमेंट दे पाओगे। तो अगर आप चाहो तो आप कर पाओगे, अगर आपने नहीं चाहा तो ये सेपरेशन लंबा चलेगा इस वीक में, ठीक है। इट्स ऑल अप टू यू मीन राशि। एंड वी हैव एम्प्रेस, सो हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन को डील कर रहे हो, और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो यहाँ पे प्रेगनेंसी भी दिख रही है, ठीक है। नाउ लेट्स सी मीन राशि की, पर कुछ ब्लॉकेजेस हैं, कुछ कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ बाउंड्रीज हैं जो आपने बना रखी है, आपको वो तोड़नी पड़ेंगी अगर आप सब सही करना चाहते हो अपनी पर्सनल लाइफ में तो, ठीक है। क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे आपने बाउंड्रीज बना रखी है, आप उस कॉम्पिटिशन में नहीं उतरना चाहते, आपको सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं, ठीक है। आप किसी पार्टनरशिप में नहीं पड़ना चाहते, या आप में से काफी लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, तो आपको पता है कि इसमें यहाँ पे कुछ नहीं होना, तो यहाँ पे डिसीजन आपको लेना है। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको लग रहा है कि आप एक मैरिड पर्सन को डील करें, आप निकल जाओ वहां से, वो भी आपका रिस्क है, ठीक है। लेकिन इस हर्ट से निकलने के लिए आपको अपनी बाउंड्रीज जो है उन्हें तोड़ना पड़ेगा, या जैसे आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, और ये सबसे अपना अपना रेजोनेट हो सकता है। यूनिवर्स आपको वही दे रहे हैं जो आप चाहते हो, विद दिस स्टार कार्ड आपकी विश फुलफिल हो रही है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप क्रिएट कर सकते हो कुछ भी जो आप चाहो। नाउ लेट्स सी कि वर्क प्लेस, बिजनेस, फाइनेंस क्या होगा। वी हैव फाइव ऑफ कप्स, फूल अगेन, चैरियट, मून। देखो आपके लिए तो सेम से कार्ड आ रहे हैं मीन राशि, समहाउ पूरी रीडिंग एक ही चीज पे जा रही है, फूल फूल फूल। मेन एनर्जी में भी फूल था, लव लाइफ में भी फूल था, वर्क प्लेस पे भी फूल है, चाहे वो कहीं पे भी आ जाए। सो रिस्क लोगे, एक्शन लोगे तो चीजें ठीक होंगी, वरना आप अपने वर्क प्लेस पे भी किसी रिग्रेट में हो सकते हो कि आपने वो चीज अचीव नहीं की, या आपने सही टाइम पे मेहनत नहीं की। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं, कुछ लोग नए बिजनेस पार्टनरशिप में जा रहे हैं, मीन राशि के 50% लोग आगे बढ़ रहे हैं, बट कुछ इमोशंस है, पास्ट के कुछ कर्मा है, पास्ट की कुछ चीजें हैं जो कि आपको होल्ड बैक करती हैं, जो कि आपको पीछे खींचती हैं, जो कि आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं करने देती। इस नेगेटिविटी को, इस मून को, इस मूड स्विंग्स को जो आपके ऊपर कभी कभी हावी हो जाते हैं, इनसे निकल जाओगे और रिस्क ले लोगे लाइफ में तो बढ़ जाओगे आगे, और अगर इनमें अटके रह गए तो अटके रह जाओगे। ये कोई डर है आपके मीन राशि, कुछ डर है आपके किसी चीज को लेके, आई डोंट नो क्या है, बट आपको इन डरों पे काम करना चाहिए। ऑलराइट, सो ये हावी हो सकते हैं 1 से 7 अगस्त के बीच में। सो दिस इज ऑल फॉर यू, आई होप ये आपसे रेजोनेट होगा। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय।